वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है जी तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल नवदीप सिंह लुधियानवी ते। अज मैं जिहड़ा अपने वीरां लई दस्तार दा ट्यूटोरियल लैके आया वह हैगा कि आपां रिवर्स पेचा वाली दस्तार, पंज पेचा वाली दस्तार दे विच किवें सजावांगे, मतलब कि 5.5 मीटर की दस्तार अपनी रूबीएवल कैमिकल कपड़ा है, तो वो असी पे जिहड़ी रिवर्स पेचा वाली दस्तार किवें सजाई जाती है वह तुहानूं सजा के दिखावांगे। मेरे कई वीर कहिंदे सी क्योंकि मैं 8 मीटर की दस्तार दे विच सजा के दिखा चुका उहदा ट्यूटोरियल, तो जिहड़े मेरे वीर छोटी दस्तार सजाउंदे ने उहनां लई अज लैके आया। तो जिवें तुसीं देखिआ है कि मैं छोटी दस्तार के नीचे बेस एक्सट्रा नहीं बनता हुंदा, कल्ला जूड़ा साहिब ही साइड ते करदा हुंदा, नाल ही कंगा साहिब रख के मैं बेस सजा लैंदा, तो उस तों बाद असीं सिलाई की मदद नाल केसां नूं हर एक हिस्से तों चंगी तरह अंदर कर लवांगे। तुसीं मोस्टली देखिया होना मतलब कि सारी वीडियो च ही यह होंदा मेरिया जिहड़ियां छोटिया दस्तारा होंदियां उहनां दे विच मैं लैफ्ट साइड ते कल्ला जूड़ा साहिब करदा हां, ते जिहड़ी वड्डियां दस्तारा होंदियां उहदे विच मैं नाल बेस भी रखदा हुंदा, ठीक है जी। तो बेस बाकी बनने का तरीका अपना सेम ही रहेगा जिवें कि तुसीं सारिया वीडियो च मेरे देखते होंगे, तो ये सारिया वीडियो च मैं बेस इसलिए दिंदा तां जो तुहानू यह पता लगता रहे कि कहड़ी दस्तार दे नीचे किदां बेस बनना चाहिए तुहानू, ठीक है जी। तो हुण असीं इहदे उत्तों असीं जिहड़ी अपनी 50 आ उह सजा लवांगे, तो फिर असी तुहानू स्टैप बाय स्टैप सारी दस्तार सजा के दिखावांगे। अपनी जिहड़ी दस्तार है ओरेंज कलर है जी दस्तार दा, 5.5 मीटर की दस्तार है, तो रूबिया वैल कैमिकल कपड़ा है, पूनी असी कीती हुई है, पूनी नॉर्मल तरीका है वो, भावें तुसीं मेरी कोई भी पूनी की वीडियो देख लो वो जाके देख सकते हो। तो पहला पेच असी सिर के उपरों इस तरह लगा के लैके आवेंगे, दोनों पले साइडा से खोल के पहला तो इनू 4 उंगलों जिन्ना अंदर फोल्ड करा, ठीक है ना, आप जिन्ने अपन 4 उंगलों होंगे ना 4 उंगलों जिन्ना अंदर फोल्ड करा, एक बार अंदर फोल्ड करा चंगी तरह प्लेन करा, फिर अंदरों जी बाहू फोल्ड करा अद्धा वह अद्धा हूँ अद्धा बाहू फोल्ड करा। यदा इदा यह होंगे कि अपना जो अख के उत्ते रखने वाला पेच है ये मोटा भी हो जाता है, तो जो आप रिवर्स किया पेच उपर वह भी मोटा रहता है, इन्ना तो अपना पेच है जो बहुत वधिया बनता है, तो अपनी जगह तो नहीं हिलता फिर इधर अपने पेच, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा मोटा हों ना ज़्यादा है पतला हों, जो आप एसटीमेट के हिसाब न फोल्ड करते हैं ना कोई पेच, तो वह पेच कितों मोटा कितों मोटा पतला रहता है, तो जो आप हिसाब लगा के पूरा पेज में कितों फोल्ड करते हैं तो वह हमेशा एको जहा रहा स्टार्टिंग लेकर एंड तक, तो उपरले बस के हिस्से असी अंदर फोल्ड कर दिता है वो अपने पेज के नीचे वाला बेस बनेगा जिहड़ा इनू उपरले हिस्से तो खिसकन नहीं देगा, ठीक है। देखो इस तरह तुसीं पेज बना लेना, मैं इस वीडियो कितों भी कट रहा नहीं है ना, इस वीडियो मैं अगे पिछे करके तो देखना चाहिए, ठीक है। देखो आ सा सीगा पहला पेज, इनू चंगी तरह उपरों भी फोल्ड करना है। देखो असल च मेरी दस्तार की वीडियो में ना उपरों जी रोशनी पै रही है नीचे तो उपर पेज होया फोल्ड दिख नहीं रहा, बट जो मैं तुम्हें लास्ट के पूरी दस्तार बन के दिखावगा बाकी तुम्हें नाल नाल दिखेगा भी, बट इन्ना नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी इस वीडियो के उपरों जी रोशनी पै रही है थले, तो इदा हों ना कि जे तो नी उपरों रोशनी पै रही नीचे फिर निचले जे लड़ होंगे उही दिख रहे होंगे, उपर वाले लड़ नहीं दिखते होंगे, उपर बने हुए लड़ जे लड़ नीचे बने होंगे वह दिखते होंगे, उपर बने हुए लड़ नहीं दिखते होंगे। देखो हुण आपां दूजा पेज किस तरह बनाया, इहनूं पहलां आपां अंदर नूं फोल्ड किया है, उह तों उद्दां फिर आपां अंदरों जी बाहर नूं फोल्ड करता, ठीक है। इहदा कारण इही आ कि अपना जिहड़ा पेज आ ना ये उपले हिस्से तो भी मोटा हो जाएगा जिद्दां आपां सिलाई ना कर सकते उहनूं भी। इस तरीके नाल तुसीं पेज नूं उपर नूं फोल्ड करते जाना, एक गल का ध्यान रखियो कि तुहाडा अंदर नूं फोल्ड किया पेज बाहर नूं ना आवे, इसलिए उहनूं भी अंदरों पकड़ के रखना है, तो उपर नूं फोल्ड किए पेज नूं भी दोनों नूं इकट्ठे ही पकड़ के रखना है असी, तो सिलाई की मदद नाल असी दोनों हिस्सों तो इन्हां नूं मोटा भी करना है, तो फिर असी इन्हां नूं सिलाई की मदद नाल अंदरों जी भी पिंच करांगे तो उपरों भी, इन्ना अपना पेज है जिहड़ा नीचों तो उपरले हिस्से दोनों पासों तो बराबर मोटाई दे विच आ जाएगा, ठीक है। जे तुहानूं डोंग पैंदा लगता तो तुसीं अंदरों जी कपड़ा जिहड़ा एडजस्ट करके उहनूं डोंग नूं भी दूर कर सकते हो। इस गल का भी ध्यान रखना कि तुसीं जिहड़ा पेज बनाया यह सेंटर च अद्ध विचाले जाके थले नूं ना गिर जाए, इसलिए इस पेज नूं पिछे तक उपर नूं चक के बनाना, ठीक है। जिदा असीं मोहरों जी पेज नूं उपर नूं फोल्ड किया ना रिवर्स किया, ये पिछे तक ही उंझ जाना चाहिए, इस गल का तुसीं ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान देना। कई बार ये होंगे कि आपां अपने हिसाब नाल तां सही रखते हैं बट बाद दे विच पेज लगाउण वेले घूम जांदा तो सानूं पता भी नहीं लगता, इसलिए जो रखना है तो ध्यान नाल रखना है, तो रखिया पेज हिलण नहीं देना असी, ठीक है। तो ये तो बाकी तुहाडी प्रैक्टिस से डिपेंड कर दियां चीज़ां। तो हुण असी जिहड़ा दूजा पल्ला लगा रहे हैं राइट साइड तो उहदे विच दोनों पल्ले असी नीचे नूं बराबर किए हैं, तो इसे पेज ने असी जिहड़ा कन्न नूं खिच के दबा लेना, क्योंकि देखो वड्डी दस्तार दे विच असी तीजे पेज 'च करदे हुंदे, छोटी दस्तार 'च आपां दूजे पेज करते हैं। इस पेज में फिर असी उस तरीके अंदर फोल्ड किया एक बार, तो इस पेज में चंगी तरह साफ करा। देखो इस दस्तार दे विच पेज फोल्ड करने का ना थोड़ा जिहा अलग तरीका है, क्योंकि देखो अपना जिहड़ा अंदर पेज फोल्ड होया हुंदा वह बाहर नूं निकल के आना, इसलिए उहदा अंदरों भी साफ होना जरूरी है, इसलिए चंगी तरह अंदरों भी साफ करना पैंदा पेज नूं जिहड़ा असी अंदर फोल्ड किया, क्योंकि इहनूं आपां उपर रिवर्स करना है। देखो
सिलाई अपनी लुक जाएगी इतने तो इस पेज में असी इस तरह फोल्ड कर देना। देखो उपरले हिस्से भी चंगी तरह करना मोल्ड तो पेज में नाल खोलना भी है। फिर आप करना है सिलाई की मदद नाल निचले हिस्से तो उपरले हिस्से तो दोनों साइड तो मोटा करेंगे पेज में। बाकी सिलाई फिर नहीं पहला पहला तो औखी लगेगी, जिमें जिमें तुम प्रैक्टिस करी जाओगे तो जोड़ा हाथ है बैठ जूगा, फिर तुम्हें ऑटोमैटिकली अपने आप करना आना है। जे तुहानू किसी भी लड़ के डोंग लगता है किसी भी लड़ के तो कपड़े एडजस्ट करना ही करना है, यह नहीं कि तुम उद्दे छड़ता जां तुसी एक्सट्रा कपड़ा लगा रहे हो कोई विच। मैं तुहानू वो सजैसट नहीं करना, बिना एक्सट्रा कपड़ा लगाए ही तुसी कोशिश करनी है सारे डोंगा नू दूर करने की, भावें कोई भी दस्तार सजाओ ठीक है। बाकी बेस तो तुसी मैनू कहोगे कि मैं भी तू भी तो बेस बांधा ही हाँ, बट मैं भी मैं शेप लई बेस बांधा, मैं डोंग डोंग लई नहीं मैं बेस रखता नाल, क्योंकि कई मेरे वीरां दा भी क्वेश्चन हो सकता है, बट आया नहीं कभी मैनू ये क्वेश्चन, बट सोचते होने अगले कि मैं सजेस्ट तो यही करता बट मैं आप बेस बांधा, मैं बेस कल शेप लई बांधा हुंदा क्योंकि मैनू शेप आ ना जिहड़ी थोड़ी जी गोलाई दे विच लियाण लई, क्योंकि कपड़ा भावें दोनों साइडां ते बराबर हुंदा। हुण ये गल हैगी मोनी दस्तार दे विच नहीं मैं बेस बांधा कोई लैफ्ट साइड ते ठीक है, क्योंकि मोनी दस्तार दोनों साइडां तों बराबर रखनी हुंदी है, थोड़ी जी हैवी दस्तार बनने लिए बेस मान लेने हैं। तो बाकी डोंगली तुसी कोई कपड़ा यूज़ ना ही करो तो वधिया, क्योंकि चंगा नहीं लगता असी जे किसी के सामने दस्तार से जाइए तो बार बार आपां विच कपड़े पाई जाइए ठीक है। बाकी तुहाडी अपनी मर्जी है, जिदा मर्जी तुसी जो मर्जी कर सकते हो, कोई वड्डी गल भी नहीं है वैसे कपड़ा पाना। तो हुण आपां देखो असी जिहड़ा अगला लाइन लगावांगे दोनों पल्ले इहदे विच भी बराबर करनी है, ये राइट साइड तो तीजा लाइन दोनों पल्ले बराबर कर लिया सी। देखो एक गल का ध्यान रखना कि अपना जिहड़ा राइट साइड आ इधर भी कोई डोंग या वल वलेवा ना पवे, इसलिए कपड़े नूं चंगी तरह एडजस्ट कर लेना। जे कोई कपड़ा ढिला मठा खिंच के दोबारा पिछे लगा लियो जे तुहानूं लगता होवे, जिदा मैनूं हुण लग्गिया सी ना मेरा करन वाला पल्ला थोड़ा ढिला हो गया सीगा, दोनों पल्ले बराबर किते मैं थल्ले नूं चंगी तरह खिंच के इस पल्ले नूं लगा लेना, मैं उपले हिस्से नूं चंगी तरह मोटा कर लेना जिन्ना क लोड़ मैनूं। तो बाकी इस पेज में भी उस तरीके ही अंदर फोल्ड करना पहले एक बार, देखो पहले तो इनू जिन्ना कोड़ आ उन्ना क अंदर फोल्ड कर लेना, इनको चंगी तरह अंदर चक देना एन कोर्नर तक उपर तक, क्योंकि आप अंदरों बाहर जो कपड़ा कटना तो अपना पिंच अंदर खिंचा पिंच जो कपड़ा वह कला बाहर ही ना आ जाए पूरा, इसलिए असी अंदर तक उपर तक पिंच करते हैं ठीक है। मूहरों सैट कर लेना एक बार, फिर पिछों तो असी हौली हौली कर ही लवेंगे, जोड़ा पेज उपर फोल्ड किया उ आप पिछे तक फोल्ड कर लेना, बस अंदरले पल्ले आप बाहर नहीं आन देना जोड़ा नीचे अंदर फोल्ड किया। देखो इस तरह पेज में खोल के लगाना है, फिर आप करना सिलाई की मदद असी इस पेज में भी सैट कर लेंगे, जिमें मैं पहले दूजे तो तीजे पेज में आप पिंच करके थ्री डी किया तो इनू भी करा, तो जो मैं तुम्हें पूरी तरह दस्तार की शेप तो हर हिस्से तो दिखावगा दस्तार को, फिर तुम्हें पता लगेगा हाँ निचले हिस्से तो उपले हिस्से तो दोनों साइड तो जोड़ा पेज आ वह बराबर मोटाई के हले तो तुम्हें देखने नहीं पता लगता होना, तुम्हें हले लगता होना कि जिमें ना निचला पेज मो निचले हिस्से तो पेज मोटा जोड़ा आप उपर फोल्ड किया जोड़ा रिवर्स किया वो उपले हिस्से तो पतला, वो मैं तुम्हें कारण दसिया पहला भी कि वह लाइट के कारण जी उपरों जी लाइट पैंती है, बाकी तुम देखोगे तो अपने आप समझ आजगा। तो हुण असी इस पेज में भी पिछे लगा लेना, तो हुण आपां तुहानूं थोड़ी जी सफाई करके दिखावांगे जां थोड़ी जी शेप मेनटेन करांगे, बेस नूं चंगी तरह अंदर कर लेना असी ठीक है जी। तो सिलाई की मदद जे तुहानूं कोई भी कमी पेशी लगती होए तो हुणे दूर कर लियो कोई भी छोटे मोटे वल वलेवें जां कुछ भी, तो हुण असी इस पेज में भी थ्रेडी कर लेंगे, तो हुण मैं जो उपले पेज में इनू उपले हिस्से तो थ्रेडी करांगा तुहानूं पता लग जाएगा। आ देखो देखते हैं ना सारे पेज कि नी पेज नीचों तो उपले हिस्से दोनों तो बराबर मोटाई दे विच आ। बाकी मेरे वीरों कोई भी चीज़ औखी नहीं होंगी जब तक तुसी उन्हों काम नहीं लेंदे ठीक है, जे तुहानू आ गई तो तुहाडे लई सौखी होनी है, जे तुहानू नहीं आती फिर तुहाडे लई औखी रहनी है, प्रैक्टिस करो तुसी एक ना एक दिन परफेक्ट हो ही जाना किसी भी चीज़ के विच, ना तुहानू किसी नूं कुछ पुछण दी लोड़ है ठीक है, ना किसी कोलों सीखण दी लोड़ है, जिहड़ी गल सच आ मैं तुहानू दस रहा जिदा मैं सीखी मैं तुहानू उदा ही दस रहा, पर मैं चाहता कि जिन्होंने जेडे देख के सीखना चाहते हो वीडियो देख लैन, जिन्होंने वैसे समझ नहीं आता
क्योंकि हर एक बंदा एको जहा नहीं हों, कई मेरे वीर टाइम लगता कोई चीज़ सीखने, कई मेरे वीर पहली बार देख के सीखे आते हैं। हर एक बंद की अपनी कैपेबिलिटी होंगी है किसी भी चीज़ को सीख की, कोई किसी चीज़ तेज़ होंगे, कोई किसी चीज़ तेज़ होंगे। देखो इस पेज में असी बाकी पेजा वाग निचले हिस्से तो उपले हिस्से तो भी बराबर कर लिया, बस दस्तार का जोड़ा पेज है ना इनू आप पिछे नहीं गिरन देना, ठीक है। तो आप इनू उपरों भी फोल्ड करना, बाकी पेजा के बराबर रखना। बिच बिच कई बार गल्ला मेरी इधर उधर किसी होर टॉपिक से निकल जाती है, इसलिए दस्तार की गल कई बार रहती है। बाकी तुम वीडियो देख के तो कई बार समझ ही सकते हो, बाकी मैं कोई ये कोई कट शॉर्ट नहीं पाया, सारी वीडियो तुम्हें स्टैप बाय स्टैप टोटली दिखाई है कि तुम्हें चंगी तरह समझ आ जाए। तो हूँ आप करा पहले तो उपले हिस्से तो दस्तार चंगी तरह साफ करा, शेप में मेनटेन करा थोड़ा, सिलाई की मदद न सारे पेजों बराबर करा। जो थोड़ा पेज कोई थले गिरदा नज़र आ रहा तुम्हें भी सिलाई ना सैट कर लेना, और उपले हिस्से तो सारे पेचा की जी सफाई करा, तो इन्ना पेज बराबर भी हो जाएंगे सिलाई मार के, ठीक है। बाकी निक्की निक्की चीज़ तो मैं तुम्हें हर एक दस ही दी इस दस्तार बारे। तो हूँ ये गल है कि तुम प्रैक्टिस किनी करते हो, यह नहीं होंगे कि जे तुम एक बार बन ली तो आ भी सकती है, तो इस गल का माण भी नहीं करना जो एक बार बनने तो आ गई, ठीक है। जिहड़ा बंदा इस चीज़ का हंकार नहीं करता वह हमेशा अगे जाता। तो हम आप हूँ पिछले हिस्से तो दस्तार की चंगी तरह सफाई करा। देखो निचले हिस्से के पेचा करना सौखा होंगे पिछों जी, ठीक है, शीशे ना देख के। जोड़े उपले हिस्से के पेज होंगे उन्होंने करना मैं कहूँगा जो सही लफ्ज दसा सच दसा थोड़ा औखा होंगे, क्योंकि आप सिलाई कभी पिछले चलाई ही नहीं होंगी, ठीक है। मैंने भी पहला पहला थोड़ा औखा लगा सी, बट मैं प्रैक्टिस कर करके थोड़ा जहा दिमाग में कॉन्सनट्रेट करके बंदा कर ही लैंदा उस चीज़ को। बाकी मैं पहला ही इन्नी कमी पेशी नहीं छड़ता कि जेड़ा मैं बाद ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए नाल दे नाल किसी चीज़ को सैट करना ज़्यादा बेहतर रहिंदा है, क्योंकि बाद कई बार लड़ घूम जाता है, घूम के लगा लड़ इधर आके लग जाता है पूरा, फिर उन्होंने सैट करना ज़्यादा औखा हो जाता, तो उन्होंने टाइम भी वध लगता है, फिर वो कारण वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए आप कोई भी दस्तार चलानी है वो कोई भी कमी पेशी नहीं छड़नी, असी जे लगती है तो दिखगी तो छड़नी नहीं, उस वेले कंप्लीट कर देनी हो। तो राइट साइड तो उपरों तुम पेचन देख सकते हो, आप पेचर की स्पेस कट्ठी करती है सारी इको जी करती है, तो सब तो उपर वाला पेच भी असी चंगी तरह स्पेस के मेनटेन कर लिया, ठीक है। हुण लैफ्ट साइड तो भी आप सफाई कर लवेंगे, जे थोड़े मोटे वाल वेले में अपने पेचा के तो भी चंगी तरह साफ कर लेंगे, ठीक है। हुण थोड़ा शेप वाल ध्यान देवे जे तुहानूं लगता लड़ ज़्यादा बाहर आ गया, तो इस पेच में भी आप 3D लुक के ले आना। एक गल का ध्यान रखिए, बस एक होर गल जी तुम्हें मैं दसनी है कि सारे पेचा पिंच करन वेले यह जरूर ध्यान देना कि तुहाडे पेच पिंच किते इक्को जिहे होने चाहिए ने, मतलब कि इक्को जिहा पिंच किता होना चाहिए सारे पेचा, कोई मोटा ना हो, कोई ज़्यादा 3D ना किया हो, कोई घट 3D ना किया हो, इस गल का भी ध्यान रखियो। नाल बड़िया चीज़ा होंदिया जिहड़ियां ध्यान देने वाली होंदिया, जे ध्यान देने आईए तो, नहीं तो दस्तार तो हर एक मेरे लिए तो हर एक दस्तार इक्को जिही होंदी है, भावें तुसीं वटाली मन्नो भावें अमृतसरी भावें मोरनी अमृतसरी, ठीक है। मेरे लिए तो सारिया दस्तारा दस्तारा ही ने। तो हुण असीं लगा जा रहे कलगी पेज। देखो जिवें असीं दोनों हिस्से तो बराबर उपले हिस्से नूं नीचे तो निचले हिस्से नूं उपर नूं फोल्ड करते हैं, उस तरीके नाल करके इस पेज नूं लगा लेना चंगी तरह, दोनों पल्लियां नूं खिंच के उपले हिस्से तो गैप छड़ के दोनों अखा बराबर ढकते हुए इस पेज नूं लैके आना, पिछे तक इस पेज नूं चंगी तरह साफ कर लेना। तो सिलाई की मदद नाल जिहड़े उपर वल मिलेवे पै रहे ने इन्हां नूं दूर कर लेना असीं। तो फिर असी की करना है सिलाई की मदद नाल, सॉरी पिन की मदद नाल असी कलगी नूं लगावांगे। देखो पहला तो कलगी नूं घुमा के एक्स बना के इहदी जगह पर लगा लवेंगे, एन नक की सीध के सेंटर के हिसाब न उपर नूं पिन लगावांगे, पिन थोड़ी जी नीचे नूं टेढ़े लगावांगे तो जो कलगी दे जोन नाल थोड़ी जी सीधी हो जाए, तो कोई गल नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं पिन टेढ़ी करके लगानी है, पिन नीचे नूं टेढ़ी लगानी है, ठीक है। पिन नीचे जी उपर नूं लगानी है, पिन टेढ़ी नहीं करनी, पिन नीचे जी उपर नूं लगानी है। तो जिनी कि तुहानूं लोड़ आ उन्नी कि कलगी खोल लैनी असी, धागे वाला हिस्सा चंगी तरह अंदर कर देना, ध्यान रखना इस गल का भी। तो उपरले दोनों हिस्सों ते असी पिना लगा लैनिया ने दोनों कोर्नरस ते, तो बाकी बाजे हिस्से नूं असी अंदर लगा देना, ठीक है।
ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੁੱਪੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੁੱਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੁੱਪੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।